क्या हाल है आप लोगों के। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन ट्रेन वर्ल्ड में। जैसा कि भाई मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है वो मीटर गेज ट्रेन की मेरी रहने वाली है। तो दोस्तों हाजिर है हमारी ये मीटर गेज की सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो कि अहमदाबाद से मेहसाणा जाती है। आप रियल में भी मतलब इस एक्सप्रेस को देख सकते हैं जो मतलब अहमदाबाद से मेहसाणा को जाती है, सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। दोस्तों आज की जो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी रहने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करना, एंड तक देखना भी, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मतलब आज हम पुराना इतिहास जो है मतलब दोबारा दोहराने जा रहे हैं। तो भाई ये अब जो मीटर गेज ट्रेनें हैं बहुत ज़्यादा कम रह गई हैं। जिस इलाकों में मीटर गेज ट्रेनें मतलब जो थी वो ख़त्म करके वहाँ पर बड़ी वाली लाइन पड़ गई, वहाँ बड़ी वाली ट्रेनें चलती भाई। तो हम आज ड्राइव करने वाले हैं अपनी मतलब अहमदाबाद टू मेहसाणा जंक्शन पैसेंजर ट्रेन जो कि डबल लोकोमोटिव के साथ है। तो दोस्तों वीडियो में मज़ा आने वाला है और आप देख सकते हो मतलब काफ़ी शानदार है आज हमारी एक्सप्रेस है और जो इसके कोचेज़ हैं वो काफ़ी शानदार है। तो भाई ये गार्ड साहब यहाँ से फ्लैग वगैरह दिखा रहे हैं, तो भाई ये भी कहना चाह रहे हैं कि भाई चलो आप देख सकते हैं स्टेशन ट्रेन बोर्ड नेम भी लगाया है अहमदाबाद मेहसाणा पैसेंजर। लेकिन दोस्तों ये पैसेंजर नहीं, मैं इसको एक्सप्रेस बोलूँगा क्योंकि भाई ये नॉन स्टॉप चलेगी काफ़ी दूर तक। मतलब जो अहमदाबाद से इसका जो स्टॉप रहेगा तो अहमदाबाद से डायरेक्ट जो रहेगा वो मेहसाणा जंक्शन रहने वाला है। उससे मतलब जो बीच में साबरमती जंक्शन भी पड़ेगा, काफ़ी बड़ा जंक्शन है, वहाँ भी इसका स्टॉप नहीं होगा अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी। तो भाई देख सकते हैं हम यहाँ से हमें गार्ड साहब वगैरह मतलब फ्लैग दिखा रहे हैं ग्रीन कलर का। तो हमने मतलब पूरी ट्रेन की तैयारी तो कर ली है सारा, मतलब जो है मतलब हमने ब्रेक वगैरह सब रिलीज़ करके रखे हुए हैं। तो भाई यहाँ से मतलब हम गार्ड साहब के मतलब इंडिकेट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारी ट्रेन आप देख सकते हैं गार्ड साहब ने ग्रीन कलर का फ्लैग दिखाया और हमारी अहमदाबाद मेहसाणा पैसेंजर जो है मतलब फास्ट पैसेंजर है जो यहाँ से निकल रही है, आपको अहमदाबाद जंक्शन से निकलती हुई नज़र आ रही होगी। दोस्तों दोस्तों आज मैं इस वीडियो में काफ़ी शानदार चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को छोड़ के जाना मत, वीडियो को एंड तक देखना भाई। और चैनल पे अगर पहली बार अगर विज़िट की हो तो भाई यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और भाई घंटी का बटन दबा देना ताकि हर आने वाला ट्रेन गेम प्ले जर्नी वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों ये रूट जो बनाया हुआ है वो हमारे मोहसिन पटेल सर जी का बनाया हुआ है जो कि काफ़ी शानदार रूट है। तो आप देख सकते हैं अहमदाबाद जंक्शन काफ़ी शानदार दिखाया है इस रूट में। और मतलब क्या है, थोड़ा सामान वगैरह मतलब आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म वगैरह पर काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं हमारे अहमदाबाद जंक्शन के। दोस्तों और हम यहाँ पे अहमदाबाद के मतलब रोड पे आ गए जहाँ पे काफ़ी सारा जो है इंडियन ट्रैफिक वगैरह आपको चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो भाई अभी हम थोड़ी देर तक जो है गार्ड साहब के पास रहते हैं तो वहाँ जो है हमको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दोस्तों देख सकते हैं हमारी जो है मीटर गेज ट्रेन जो है वो धीरे धीरे जो आगे बढ़ रही है यार, आपको नज़र आ रहा होगा भाई मतलब हमारी जर्नी आज की कितनी शानदार रहने वाली है। और भाई इसके अंदर जो ट्रैफिक है वो काफ़ी हैवी हमको ट्रैफिक देखने को मिलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा हैवी। मतलब जो मेरी जितनी वीडियो अभी तक मैंने अपलोड की हैं अपने चैनल पे तो सबसे ज़्यादा हाई ट्रैफिक जो एक्टिविटी मतलब इसमें रहने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करना भाई और एंड तक देखना भाई, जो वीडियो को लाइक कर देना भाई और कमेंट्स करके बता देना वीडियो आपको कैसी लगी भाई। क्योंकि भाई मैंने आपसे मतलब पिछली वाली वीडियो में कहा था कि मैं आपकी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी मेरी वो मीटर गेज ट्रेन की रहेगी, तो वही हाजिर है मीटर गेज ट्रेन की ये वीडियो। तो आपको शायद नज़र आ रही होगी मैंने अपना वादा पूरा किया भाई। ये सामान वगैरह पड़ा हुआ है जो मतलब डाला जाता है जो इंजन के पास जो कोच होता है वो डाल देते हैं, मतलब थोड़ा पार्सल वगैरह हो जाता है। तो दोस्तों आज भी मेरी आवाज़ जो है वो काफ़ी मुतासर है, काफ़ी मतलब मेरी आवाज़ जो है मतलब एक बैठी हुई, आपको शायद ऐसा लगता भी होगा कि यार मतलब आज इंडियन ट्रेन वर्ल्ड को मतलब कोई और तो वीडियो नहीं शूट कर रहा भाई, लेकिन भाई मैं ही हूँ आपका दोस्त शायान जो मतलब मैं ये वीडियो जो है मतलब शूट कर रहा हूँ। तो भाई देख सकते हैं हमारी जो अहमदाबाद मेहसाणा जो पैसेंजर है तो वो 100 के पार नहीं जा पाएगी दोस्तों, क्योंकि रियल में भी क्या होता है भाई मीटर गेज ट्रेन जो होती है वो ज़्यादा फास्ट नहीं चल पाती है क्योंकि भाई इसमें उतना दम नहीं होता जितना कि मतलब बड़ी ट्रेनों में होता है। तो सबसे ज़्यादा जो दम होता है वो बड़ी ट्रेनों में होता है और ये छोटी ट्रेन है तो अपने ही औकात के अकॉर्डिंग मतलब इनकी स्पीड होती है और इनके लोकोमोटिव की जो स्पीड होती है वो भी कोई ख़ास नहीं होती दोस्तों। तो आप मतलब गौर करेंगे नॉन स्टॉप चलने वाली है हमारी अहमदाबाद से लेकर मेहसाणा जंक्शन तक, नॉन स्टॉप चलने वाली है हमारी ये
है सुपर फास्ट पैसेंजर कह लीजिए भाई इसे, ये पैसेंजर है, सुपर फास्ट पैसेंजर है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा हम अहमदाबाद जंक्शन को अलविदा कहने वाले हैं, तो भाई बाय बाय टाटा। प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे हम थे भाई अहमदाबाद जंक्शन के, तो भाई हमने अलविदा कह दिया है, टाटा कह दिया है अपनी मतलब जो है ट्रेन को, मीटर गेज ट्रेन को। तो पहले ये मतलब मीटर गेज ट्रेन जो है बरेली से लेकर जो लाल कुआं तक का रूट था भाई, तो वहाँ भी मतलब मीटर गेज ट्रेन थी, लेकिन अब वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ की मतलब ट्रैक वगैरह हटा के बड़ी लाइन बिछा दी गई है। और भाई आज जो है मतलब इलेक्ट्रिक का भी सारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है, 1 या 2 मंथ के अंदर जो है इलेक्ट्रिक मतलब लोगों के साथ जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन भी मतलब इस रूट पर दौड़ने लगेगी भाई। तो मैं आपको बता रहा था भाई, तो अभी देख सकते हो भाई अभी हम जो है मतलब अहमदाबाद जंक्शन के मतलब आउटर में हम हैं इस टाइम, तो काफ़ी सारे ट्रैक्स वगैरह आपको नज़र आने वाले हैं और काफ़ी सारा हैवी ट्रैफिक जो है आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो भाई यहाँ से देखो भाई कितनी शानदार लग रही है हमारी ट्रेन आते हुए, कितनी खूबसूरत लग रही है भाई, और डबल इंजन के साथ है भाई। लेकिन भाई स्पीड जो है इसकी ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी यार, स्पीड जो है वो थोड़ी ही रहने वाली है। मेरा मन कर रहा है कि यार मैं अब ज़्यादा बात ना करूं, क्योंकि मेरा गला जो है काफ़ी दर्द कर रहा है भाई। तो ठीक है दोस्तों यार, वीडियो को आप जो है पूरा इन्जॉय कीजिए। नहीं यार मेरा मन नहीं कर रहा है आपसे बात करते रहना भाई मेरे को, चाहे हल्के हल्के करूँगा लेकिन भाई आपसे बात में ज़रूर करूँगा यार। तो यहाँ से देख सकते हैं मतलब ट्रैक की क्रॉसिंग चल रही है हमारी ट्रेन की, तो अभी मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मतलब अहमदाबाद जंक्शन का जो इंजन यार्ड है या जो कोच यार्ड है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो गार्ड साहब यार काफ़ी देर से मतलब खड़े हैं, उनको अंदर बैठ जाना चाहिए यार। तो अभी तक आप देख सकते होंगे अहमदाबाद से जब तक हम निकले हैं तो अभी तक जो है मतलब स्पीड इसकी कोई ख़ास नहीं हुई, क्योंकि भाई रियलिस्टिक है, रियल में भी जो है ट्रेनों की स्पीड जो है ज़्यादा नहीं होती भाई। लेकिन भाई ट्रेन तो ट्रेन है, ख़तरनाक तो काफ़ी होती है, ऐसा नहीं है। तो भाई आज मैं आपको एरोप्लेन भी दिखाने वाला हूँ, एरोप्लेन के पास मेरे को जाना है भाई। ये कुछ मतलब कोई बिल्डिंग्स वगैरह लग रही है स्टेशन के पास, जो कि अच्छी है, काफ़ी शानदार है, मतलब काफ़ी सारी बिल्डिंग्स वगैरह आपको नज़र आ रही होंगी। ये हाईवे नज़र आ रहा होगा अहमदाबाद जंक्शन का, तो आपको वही प्लेन वगैरह उड़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार प्लेन के पास चला जाऊँ यार। तो देख सकते हैं मैं प्लेन के पास भी जा रहा हूँ यार, आपको नज़र आ रहा होगा मैं बिल्कुल जो है अपनी एरोप्लेन को मैंने पुश कर दिया, गेम को थोड़ा सा मैंने पुश कर दिया है, तो मैं एरोप्लेन के पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल पास में। तो आप देख सकते हो मतलब एरोप्लेन जो है मतलब मैं बिल्कुल पास पहुँच चुका हूँ भाई। तो पहली बार भाई MSTS में मैं एरोप्लेन के ऊपर पहुँच गया भाई, तो एरोप्लेन को तो मैंने रोक दिया क्योंकि भाई मैंने एक्टिविटी को पुश कर दिया भाई। ये नज़ारा या कैसा लग रहा है मेरे को बता देना कमेंट्स करके। और हमने गेम को फिर से रिप्ले कर दिया भाई, हमने गेम जो था बंद कर दिया था यार। हाँ ओफो भाई अभी स्पीड यार हम काफ़ी देर से चल रहे हैं, तब भी हमारी मीटर गेज ट्रेन जो है मतलब काफ़ी स्पीड नहीं पकड़ रही है, हल्की पकड़ रही है यार। तो अब मैं प्लेन के पास जाने की कोशिश करूँगा ना, तो भाई प्लेन के पास जा नहीं पाऊँगा क्योंकि अब प्लेन बहुत तेज़ उड़ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा भाई इतना तेज़ मतलब जो है प्लेन उड़ रहा है हमारा, दो दो प्लेन उड़ रहे हैं और कितनी तेज़ उड़ रहे हैं यार, काफ़ी तेज़ उड़ रहे हैं यार, मज़ा आ गया देख के यार। तो अभी साबरमती जंक्शन आने वाला है थोड़ी देर के बाद, ट्रैक मॉनिटर पर सिग्नल तो भाई ग्रीन मिल रखे हैं। ये पत्थर आपको कैसे लग रहे हैं आप देख सकते हो, तो अभी ग्रीन सिग्नल हमको मिल रखा है, ये जो रेड सिग्नल शो कर रहा है भाई मैं पक्की गारंटी देता हूँ जब तक जो है महसाना जंक्शन नहीं आएगा, तो महसाना जंक्शन यहाँ से 34 किलोमीटर है, कहाँ से भाई अहमदाबाद से लेके जो 34 किलोमीटर की जर्नी है, तो हम जर्नी को जो है फुल कवर करेंगे दोस्तों। तो
वीडियो को पूरा देखना। मेहसाना जंक्शन तक जो है हमारी आज की जर्नी जो है फुल रहने वाली है हमारी आज इसकी मीटर गेज ट्रेन में। अभी तक अगर बड़ी वाली ट्रेन होती ना भाई, मैं बड़ी वाली ट्रेन अगर चलाता होता काफ़ी ज़्यादा स्पीड मेरे को मतलब आपको देखने को मिल सकती थी, काफ़ी सारी स्पीड, काफ़ी अच्छी स्पीड। मतलब अब तक जो है बड़ी वाली अगर ट्रेन होती तो काफ़ी अच्छी जो है स्पीड जो थी मेंटेन कर लेती भाई। मैंने पानी पिया है इसलिए थोड़ा सा मतलब मेरी वॉइस थोड़ी देर के लिए नहीं आ रही थी। तो यहाँ से जो है ट्रैक चेंज हो चुका है, तो यहाँ का जो साबरमती जंक्शन है वो काफ़ी अच्छा है और मतलब काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। और काफ़ी सारा जो मतलब ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक मैं आपको साबरमती जंक्शन पर दिखाने वाला हूँ। तो कोचेस जो है भाई हमारी इस पैसेंजर में काफ़ी लगे हैं, काफ़ी सारे मतलब कोचेस इसमें लगे हुए हैं भाई। तो भाई गार्ड साहब का कोच भी आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितनी शानदार लग रही है हमारी मीटर गेज ट्रेन। तो भाई सामने आपको साबरमती जंक्शन नज़र आ रहा होगा जो कि काफ़ी बड़ा जंक्शन है, लेकिन भाई वहाँ पर भी इसका स्टॉप नहीं दिया गया क्योंकि आप ट्रैक मॉनिटर देख सकते हो भाई, ट्रैक मॉनिटर पर सारे के सारे सिग्नल जो ग्रीन है जो कि हमारी एक्सप्रेस को मिल रहे हैं भाई। भाई जब हमें सिग्नल ग्रीन मिलेंगे तो भाई हमें ट्रेन को भगाने में क्या परेशानी है यार। तो आप देख सकते हैं हमारी जो मीटर गेज ट्रेन है अहमदाबाद मेहसाणा पैसेंजर फास्ट पैसेंजर, इस वक्त देख सकते हैं मतलब ये साबरमती जंक्शन है उसका जो हैवी ट्रैफिक है, काफ़ी सारे लोकोमोटिव यहाँ खड़े हैं, डीजल लोकोमोटिव खड़े हैं और कुछ मालगाड़ी वगैरह के कोचेस खड़े हैं। ये साबरमती जंक्शन के जो दो प्लेटफॉर्म एक कर्व में है भाई, जो मतलब कभी मैं इस रूट को प्ले करता हूँ अदर एक्सप्रेस के साथ तो इस रूट से हमारी एक्सप्रेस निकलती है, लाइक आला हज़रत एक्सप्रेस जो होती है वो बराबर वाले प्लेटफॉर्म जिधर से मैं अभी आया हूँ ना आपको दिखा के, तो मतलब उसी रूट से निकलती है, इस रूट से नहीं निकलती क्योंकि यहाँ पे मेहसाणा जंक्शन तक ये जाएगी। तो दोस्तों मतलब आजकल जो मेरी वीडियो रही ना भाई फुल रह रही, फुल मतलब मैं इसका आपने टाइटल दिखा होगा भाई, तो टाइटल से समझ लिया हुआ कि भाई ये अहमदाबाद से लेकर पूरी मेहसाणा जंक्शन तक पूरी फुल जर्नी है, बल्कि उससे ज़्यादा है भाई। तो भाई यहाँ देख सकते हो मतलब साबरमती जंक्शन है ये, कितना शानदार यहाँ पे ट्रैफिक खड़ा है, कुछ लोकोमोटिव है डीजल लोकोमोटिव है, ये देख सकते हैं लोकोमोटिव, ये साबरमती शेड का WDG4 जिसके, तो आप देख सकते हो ये लोकोमोटिव आगे भी मतलब काफ़ी सारे लोकोमोटिव खड़े हैं, ये भी साबरमती शेड का है। तो भाई आगे भी देख सकते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ भाई, ये लोकोमोटिव आप देख सकते हो मतलब हमारा हाँ भाई WDB4D लोकोमोटिव है, और ये मतलब यहाँ काफ़ी सारी AMD लोकोमोटिव खड़े हैं, और ये विजयवाड़ा शेड का मतलब ये भी लोकोमोटिव खड़ा है जो मेरी मतलब, और ये आप देख सकते हैं ये वाला है विजयवाड़ा शेड का लोकोमोटिव जिसके जो मैंने हम सफ़र एक्सप्रेस में मतलब मैंने पहली बारी वीडियो में चलाया था, शायद आपने देख ली होगी भाई। तो मतलब काफ़ी सारा ट्रैफिक यहाँ साबरमती जंक्शन पे था। तो भाई अब हम साबरमती जंक्शन को भूल जाते हैं, हम साबरमती जंक्शन को हमने भाई स्किप कर दिया है, वो भाई अभी मैंने कहा था ना काफ़ी सारा ट्रैफिक आपको देखने को मिलने वाला है, तो भाई यार थोड़ा सा सब्र कर लेना, बस कुछ ही देर जा रही है तो हमको काफ़ी सारा ट्रैफिक देखने को मिलने वाला है। और भाई ट्रैफिक का नाम लिया ट्रैफिक जो हाजिर है, सामने कोई ये स्टेशन है जिसको हम स्किप कर रहे हैं, और यहाँ कोई मतलब एक्सप्रेस ट्रेन है किसी एल्को के साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई ये कौन सा लोकोमोटिव है, WDM3D वटवा शेड का जिसका रोड नंबर 111127, ये कोई एक्सप्रेस ट्रेन के साथ यहाँ पर अराइव किया था, आप देख सकते हो ये कोई चंदोलिया मतलब पता नहीं क्या नाम है भाई। तो यहाँ पर कोई एक्सप्रेस ट्रेन जो है रुकी हुई है, हमारे जाने के बाद शायद उसको जाने का मौका दिया जाएगा, जाने का सिग्नल दिया जाएगा हमारे जाने के बाद। तो देख सकते हो मतलब यहाँ से मैंने कहा था अभी तो भाई कुछ नहीं है, अभी मतलब अभी आपने ट्रैफिक देखा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हाई ट्रैफिक देखने को मिलने वाला है। और भाई मेहसाणा जंक्शन तक जो है भाई हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी मतलब
सारी ट्रेनों को ओवरटेक करने वाले हैं और काफ़ी सारी ट्रेनें जो है मतलब हमारा ओवरटेक फेस करेंगी। तो भाई ये एक्सप्रेस को हम बाय बाय कर देते हैं, टाटा गुड बाय। अब शायद हमारे निकलने के बाद इस एक्सप्रेस को जाने का मौका दिया जाएगा शायद। तो भाई यहाँ से कर्व ले रही है हमारी शानदार, मतलब कितनी लंबी ट्रेन है यार, काफ़ी सारे कोचेज इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। तो ये नज़ारा यार कितना खूबसूरत है भाई, आप समझ सकते हो अगर आप इंडियन रेलवे फ़ैन हो तो भाई आपके लिए नज़ारा बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। तो भाई ट्रैक साउंड भी इसमें काफ़ी अच्छा लगा हुआ है और इससे जो ट्रेन के जो कोच हैं भाई वो बिल्कुल सही तरीके से लगे हुए हैं। अहमदाबाद लिखा हुआ है और महसाना जंक्शन भी लिखा हुआ है, जो कि मतलब अभी अहमदाबाद से चली है और महसाना जंक्शन की तरफ बढ़ रही है। तो महसाना जंक्शन के बाद जो है इसका जो नेक्स्ट स्टॉप है महसाना के बाद वो पालनपुर रहेगा और पालनपुर के बाद अबू रोड रहेगा। तो भाई इतना लंबा तो मैं कवर नहीं करूँगा, लेकिन भाई मैं महसाना जंक्शन तक जो है जर्नी को ज़रूर ज़रूर पूरा करूँगा भाई। तो आप भी देखेंगे, आप भी यहीं हो और मैं भी यहीं हूँ। तो भाई देख सकते हैं काफ़ी देर से हमारी ट्रेन निकल रही है लेकिन कोचेज जो है एंड होने का नाम नहीं ले रहे। तो भाई कोचेज इसमें हैं ही बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा कोचेज हैं यार, मतलब खड़ाघट कोचेज जो है निकले जा रहे हैं यार। तो आपको देख सकते हैं मतलब सामने फैक्ट्रीज वगैरह नज़र आ रही है, मेरे को धुआं सा नज़र आ रहा है। तो पता नहीं क्या कोई स्टेशन आने वाला है, लेकिन वह स्टेशन आए या ना आए स्टॉप तो नहीं होगा, स्टॉप जो रहेगा नॉन स्टॉप चलेगी महसाना जंक्शन तक। अहमदाबाद से नॉन स्टॉप चलने वाली है आज हमारी एक्सप्रेस। तो फो भाई मैं ये दिखाना चाहता था भाई, ये देखो मतलब ये क्या है, ये कुछ फैक्ट्री वगैरह है। और भाई यहाँ देख सकते हैं मतलब जो ब्रिज को कवर कर रही है, ब्रिज से निकल रही है, तो नीचे भी ट्रैक है भाई। ये ट्रैक कहाँ जा रहे हैं आप बता सकते हो यार, मेरे को नहीं पता। ये ट्रैक्स मेरे को ऐसा लग रहा है अजमेर जंक्शन की ओर जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ से हमारी ट्रेन कितनी खूबसूरत लग रही है, मतलब ब्रिज को क्रॉस कर रही है पूरी ट्रेन, मतलब आप देख सकते हैं मतलब पूरी की पूरी ट्रेन का नज़ारा यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है कि मतलब आप देख सकते हो भाई, काफ़ी शानदार नज़ारा लग रहा है हमारी ट्रेन का। 17 मिनट के करीब वीडियो हो चुका है हमारा, तो अभी तो काफ़ी रहने वाला है, 40 मिनट के करीब वीडियो रहने वाली है हमारी। तो वीडियो का यार फुल वॉच करना यार, सब्सक्राइब कर देना भाई, एक भी सब्सक्राइब नहीं बड़ा मेरा यार, मैंने कल वीडियो मतलब अपलोड की थी भाई, कर देना यार प्लीज़ यार, सब्सक्राइब कर देना यार, ज़रूर से ज़रूर कर देना। तो भाई सामने कोई स्टेशन आने वाला है तो उसको हम स्किप करने वाले हैं, सिग्नल सारे के सारे जो भाई हमको ग्रीन ही मिल रहे हैं भाई, आपको शायद नज़र आ रहे होंगे। भाई यहाँ आप देख सकते हो कोई स्टेशन है सामने तो उसको स्किप कर रही है भाई, करने वाली है, अभी हम स्टेशन में जो है एंटर नहीं किए हैं। तो यहाँ भी कोई ट्रेन खड़ी है जिसको हमारी वजह से मतलब उसको सिग्नल जो इसका रोक के रखा है। तो ये कौन सा स्टेशन है यार, ये तो मेरे को नहीं पता। तो भाई कोई WDG 4D के साथ कोई एक्सप्रेस ट्रेन मतलब यहाँ अराइव की थी जिसको रोक दिया गया हमारी ट्रेन की वजह से। तो आप देख सकते हैं मतलब WDG 4D के साथ कोई एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ खड़ी है, तो उसको भी हम बाय बाय कर रहे हैं टाटा। तो ये हमारे लिए रुकी हुई है भाई, तो मैंने कहा था ना काफ़ी सारा ट्रैफिक देखने को मिलने वाला है और अभी और ज़्यादा मिलेगा भाई। और एक ख़ास बात मैं आपको और बता देता हूँ, अभी आपको जो है मीटर गेज ट्रेन का भी एक क्रॉसिंग देखने को मिलने वाली रास्ते में भाई। तो तैयार हैं आप देखने के लिए? तो भाई बाय बाय टाटा। ये कौन सी एक्सप्रेस, शायद मतलब अजमेर वाली एक्सप्रेस होगी क्या, या फिर रानीखेत एक्सप्रेस हो सकती है भाई जो जोधपुर जाती हो सकता है, या आलाघाट एक्सप्रेस हो सकती है जो मतलब खड़ी है साइड से, ऐसा हो सकता है भाई। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा ट्रैफिक है। तो एक और ट्रेन जो है रुकी हुई है हमारे सामने, आप देख सकते हैं ये WDG 3 के साथ वटवा शहर का 13485, ये इसका रोड नंबर रहा। ये कोई डबल नहीं भाई फ्रेट ट्रेन है, कंटेनर वाली, इसको
इसको मतलब हम क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, हमारी वजह से रुकी हुई है। और जब हमारा जो ट्रैक्स वगैरह है जो इसको क्लियर कर देगा, तो भाई सामने से एक और मीटर गेज ट्रेन की आपको क्रॉसिंग नज़र आ रही होगी भाई, ये आ रही नज़र देख सकते हैं। लेकिन यार काफ़ी छोटी है यार, हमने तो काफ़ी सारे कोचेस ऐड किए हुए हैं यार। तो मैं आपको थोड़ा सा ना पीछे से दिखा देता हूँ अपनी मीटर गेज की क्रॉसिंग। यहाँ से आप देख सकते हो मतलब इधर ये ट्रेन खड़ी है और उधर सामने से मतलब मीटर गेज ट्रेन जो है हमको क्रॉस कर रही है। आप देख सकते हो ये नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, डबल डबल मीटर गेज क्रॉसिंग टू मीटर गेज ट्रेन, अच्छा है, काफ़ी अच्छा। तो अभी हमारा मेहसाणा जंक्शन कुछ ही देर के बाद आने वाला है, तो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन वहाँ अराइव करेगी भाई। तो वहाँ हमें देखना है कौन सा ट्रैफिक है, कितना ट्रैफिक है, तो वहाँ भी देखेंगे, मेंटेन कर लेंगे, ऐसा नहीं है भाई। धोखा मत खाना यार, मैं ही हूँ आपका दोस्त यार, जो रोज़ आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ ट्रेन गेम के लिए जर्नी की, मैं ही हूँ कोई और नहीं भाई। क्योंकि भाई आवाज़ इतनी मुतासिर है मेरी कि कोई भी मतलब समझ सकता है कि हाँ यार ये वो बंदा नहीं है जो कि मतलब डेली वीडियो को जो अपलोड करता है। आप मेरी बात समझ गए होगे भाई। भाई मैं दुआ करता हूँ अपने लिए, आप मेरे लिए दुआ करो कि यार नेक्स्ट वीडियो में जब आपसे मुलाकात हो तो बिल्कुल विद क्लियर वॉइस यार, मज़ा आ जाएगा यार। इस वक्त मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन यार मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, लेकिन आपके एंटरटेनमेंट के लिए यार मैं पीछे नहीं हटूँगा, करता रहूँगा आपका एंटरटेनमेंट। तो ये मतलब कोई स्टेशन स्किप कर रहे हैं, हमारी मीटर गेज ट्रेन स्किप कर रही है अभी तक, मतलब मेहसाणा जंक्शन जो आया नहीं है। ट्रैक मॉनिटर पे हल्का सा मेरे को रेड सिग्नल तो नज़र आ रहा है, हल्का सा नज़र आ रहा है। तो ये कोई स्टेशन है जिसको स्किप कर रही है। मीटर गेज छोटी भी होती है, स्पीड भी कम होती है। अगर अब तक कोई बड़ी एक्सप्रेस होती ना भाई, तो भाई अब तक मतलब कहाँ स्पीड पहुँची होती यार, आप समझ सकते हो यार कहाँ पहुँची, बहुत आगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कोई पावर हाउस है, थोड़े से झटके दें आपको हम, पावर हाउस देख लेते हैं भाई, ये कोई बिजली घर होगा। ये देखो भाई पावर हाउस है पूरे का पूरा। तो अगर आपको करंट खाने की कभी ज़रूरत पड़े तो आप आ सकते हैं, फ्री में आपको यहाँ करंट मिलेगा खाने को, और ऐसा करंट मिलेगा कि ज़िंदगी में दोबारा कभी कुछ खाओगे ही नहीं भाई। इट्स जोकिंग यार, थोड़ा सा हंसाना चाहता हूँ आपको यार। तो भाई ऐसा लग रहा है यार ये मीटर गेज ट्रेन थोड़ी सी स्पीड पकड़ रही है यार, अपनी औकात भूल रही है। तो यार स्पीड तो पकड़ेगी ना भाई, नॉन स्टॉप चल रही है अहमदाबाद से अब तक, तो यार काफ़ी सारी स्पीड हुई ना यार। तो यार लोकोमोटिव का जो है पूरी ट्रेन का राउंड बना हुआ है, ये ट्रैक्स वही है जो पीछे से हमको हम कह रहे थे ना यार ये ट्रैक्स वहाँ आ रहा है। लाइट बंद रखो, दिन में लाइट नहीं जलानी चाहिए यार। ओफो भाई ये कैब है, ये कैसा कैब है यार, फिर से कोई स्टेशन आ रहा है, इसके करें उसको भी। तो लेवल क्रॉसिंग फाटक लगा हुआ है, हॉर्न यार इसका काफ़ी शानदार है यार, हमारी एक्सप्रेस का यार काफ़ी शानदार है। यहाँ भी कोई मतलब कोई ऐसा लगता है कोई कंटेनर वाली ट्रेन खड़ी है जो कि विजयवाड़ा शहर का WDG 4D लोकोमोटिव है। तो आप देख सकते हो हम इसको हमारे लिए रुकी हुई है, इसकी जो क्रॉसिंग है हमारे लिए रुकी हुई है, इसको रोका गया है, हमारी वजह से रोका गया है। तो मैं अभी पीछे से भी दिखाऊंगा आपको। तो हम यहाँ पीछे से आ गए, तो हम पीछे से अब मतलब अपनी क्रॉसिंग का मज़ा लेंगे, और जो स्टेशन को हम स्किप कर रहे हैं भाई तो उसका भी मज़ा लेने वाले भाई। तो ये नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है भाई क्रॉसिंग का, मेरे को बता देना यार कमेंट्स में कितना खूबसूरत ये नज़ारा लग रहा है भाई। ओफो भाई कितना खूबसूरत नज़ारा, कितनी शानदार स्पीड में मतलब हमारी ये पैसेंजर आज राजधानी को फेल करी पड़ी भाई, आप समझ सकते हो। तो
यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से कोई पावर हाउस है, थोड़े से झटके खाने भाई। तो चलो यार भाई, ज़्यादा झटकों के चक्कर में मत पड़ो, कोई झटके लग जाए, झटकों में अटक जाता है आदमी। तो स्टेशन यार काफ़ी काफ़ी जल्दी आ रहे हैं यार, स्टेशन बहुत बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो ये भी कोई स्टेशन है, यहाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये खाली है, यहाँ पे कोई रेलवे ट्रैफिक नहीं है। इसको भी स्किप कर रहे हैं भाई, आज की जो वीडियो है यार मेरी काफ़ी लंबी हो गई यार, आप लोगों का प्यार मिलता रहता है वीडियो को, तो मैं यार 1 घंटे की भी बनाऊंगा अगर आप देखना चाहोगे तो। हमारा जो मेहसाणा जंक्शन है वो आने वाला है, थोड़ा सा वेट और कीजिए आप, ये 5 या 7 मिनट के समथिंग हम जो है मेहसाणा जंक्शन पे हमारी ट्रेन जो है अराइव करने वाली है। वहाँ पैसेंजर वगैरह यार वेट कर रहे होंगे यार, तो अभी तो काफ़ी दूर है यार। लेकिन भाई अहमदाबाद से जो अब तक यहाँ तक चल रही है नॉन स्टॉप, तो चलते चलते काफ़ी अच्छा राउंड बना लिया ट्रेन ने यार, काफ़ी अच्छा राउंड बना लिया है। अब सिंगल ट्रैक चल रहा है भाई हमारे साथ, सिंगल ट्रैक। तो भाई वो ट्रैक कहाँ गया, किधर गया, कौन से रूट पे गया, मेरे को तो नहीं पता भाई। अगर आप जानते हो या आप रियल में वहाँ रहते हो तो भाई यार मेरे को आप कमेंट्स करके बता सकते हो कि भाई साहब ये ट्रैक्स वाला जगह जा रहा है, तो ये पता चल जाएगा, मेरी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, बस इतना है। तो मेहसाणा जंक्शन जो आने वाला है थोड़ी देर में, थोड़ी देर में मतलब आपके सामने मेहसाणा जंक्शन पे हमारी फिल्टर गेज ये मेहसाणा पैसेंजर, फास्ट पैसेंजर जो है वहाँ पे अराइव करने वाली है। वहाँ पे शायद अनाउंसमेंट भी हो गया होगा यार, हो गया होगा, मुझे उम्मीद तो है अनाउंसमेंट हो गया होगा वहाँ पे यार, तो भाई ट्रेन आने वाली है, सतर्क हो जाओ, सामान सारा सामान लो अपना, तो संभालते होंगे पैसेंजर वगैरह। लग तो ऐसी रहा भाई कि मतलब आने वाला है स्टेशन। तो यार आज की जर्नी यार हमारी काफ़ी शानदार रही अब तक के, जो अहमदाबाद से हम निकले काफ़ी अच्छी जर्नी रही है भाई। ये लोकोमोटिव मतलब जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, याद आता है आपको अच्छे से अच्छा व्यू का आप मज़ा ले सकते हैं। फिर कोई स्टेशन है शायद, काफ़ी स्टेशन हमको यार रास्ते में जो यार मिल गया यार देखने को भाई, और एक से एक स्टेशन पे काफ़ी सारा ट्रैफिक था और वो हमारे लिए रुका हुआ था। तो अभी तो ये मेहसाणा जंक्शन नहीं है क्योंकि सिग्नल तो ग्रीन है भाई, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है शायद वो मेहसाणा जंक्शन। तो आज जो है हमारे इंतज़ार की गाड़ियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं क्योंकि हम काफ़ी देर से नॉन स्टॉप चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी ट्रेन को थोड़ा सा स्टॉप मिल जाए, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। तो भाई 34 किलोमीटर का एरिया भाई हम 40 मिनट की वीडियो कवर कर पाए हैं, मतलब गेम के अंदर, और रियल में कितना टाइम लगता है अहमदाबाद से मेहसाणा जंक्शन तक जाने में मेरे को तो नहीं पता यार, आपको पता है यार कम से कम 3-4 घंटे तो लगते होंगे शायद, अगर हर जगह रुकती भी जाएगी तो 4 से 5 घंटा। लेकिन यार 34 किलोमीटर गेम में डिस्टेंस दिखाया है, रियल में क्या डिस्टेंस होगा यार वो तो मैं, मेरे को पता नहीं यार क्या डिस्टेंस होगा रियल में। हाँ तो थोड़ी देर में हमारा मतलब अराइवल होने वाला है कहाँ, मेहसाणा जंक्शन, जिसका गीत हम बहुत देर से गा रहे हैं, मेहसाणा जंक्शन मेहसाणा जंक्शन, काफ़ी टाइम हो गया। तो अब आप सिग्नल आगे जाके पूरे का पूरा हमको रेड मिलने वाला है 3-4 सिग्नल के बाद, क्योंकि हमारा जो है स्टॉप आने वाला है। तो
भाई आइसक्रीम बेच रहे भाई, देखो तो मेरा गला बैठे गया, आइसक्रीम बेच रहे यार। तो देख सकते हैं मतलब कुछ कुछ नज़र आ रहा है हमको कि हाँ भाई स्टेशन जो है आने वाला है। तो भाई 30 मिनट के करीब हमने जो है 35 किलोमीटर का एरिया जो है कवर कर लिया 30 मिनट गेम के अंदर। अब रियल में क्या डिस्टेंस है वो तो यार मेरे को नहीं पता यार। इंटीरियर कैसा था? ठीक था ना, अच्छा था। तो 30 या 32 मिनट का वीडियो जो है हमने कवर कर लिया, 30 या 32 मिनट का वीडियो हमने जो है कवर कर लिया मेहसाना जंक्शन तक। तो भाई आप देख सकते हो ब्रेक लगाने का हमारा वक्त बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत करीब है, लंबी बहुत है यार ट्रेन यार। मुझको ऐसा लग रहा है मैंने धोखे से ज़्यादा कोच सेट कर दिए यार, लेकिन अच्छा है ना भाई आप इतनी लंबी ट्रेन की जर्नी देख रहे हो भाई। सामने मेहसाना जंक्शन आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पे हमारा स्टॉप होने वाला है। तो भाई देख सकते हो हम ब्रेक लगा रहे हैं, काफ़ी तेज़ स्पीड है इस टाइम हमारी ट्रेन की, तो हम ब्रेक वगैरह लगा रहे हैं। तो यहाँ से देख सकते हो ट्रैक वगैरह चेंज हो रहा है, कितनी स्पीड है ट्रेन की यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी स्पीड है इस वक्त हमारी ट्रेन की। और हमें स्टॉप भी लेना है, सिग्नल पूरे का पूरा रेड हो चुका है, तो स्टॉप होने वाला है। ये देखते हैं भाई मेहसाना जंक्शन, भाई कोई ट्रेन खड़ी है? ट्रेन नहीं भाई। तो भाई काफ़ी जल्दी ब्रेक लग गया, इसके ब्रेक भी काफ़ी हाई हैं, तो थोड़ा भी आगे चलते हैं भाई ताकि पूरी ट्रेन जो है अंडर प्लेटफॉर्म आ जाए। तो आप देख सकते हो मेहसाना जंक्शन पे हमारी ट्रेन जो है रुक चुकी है। मज़ा आया ना भाई जर्नी में? तो बता देना यार मज़ा अगर जर्नी में आया, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को तो ज़रूर से ज़रूर प्रेस करना। तो आप देख सकते हो इस वक्त अभी हमारे काफ़ी सारे कोचेस जो हैं वो अंडर प्लेटफॉर्म आने बाकी हैं, काफ़ी सारे कोचेस। तो अब हमारी जो है एक्सप्रेस आगे बढ़ रही है। मेरे को लगता नहीं कि गार्ड साहब का कोच जो है प्लेटफॉर्म के अंडर आ पाएगा, क्योंकि अभी तो यार प्लेटफॉर्म हमारा ख़त्म होने वाला है, इंजन जो कवर कर लेगा उसको। तो ये कोई डबल कंटेनर वाली शायद कोई WDB40 के साथ खड़ी है, WDB40 के साथ। पता नहीं कौन सी यार ट्रेन है यार, सारी ट्रेनें आज हमारे लिए रोकी क्यों गई यार, इतनी सारी ट्रेनें हमारे लिए रोक दी गई यार, कमाल है। कमाल नहीं है भाई, शायान है, थोड़ी सी जोकिंग कर लेते हैं भाई। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइव कर रही है हमारी एक्सप्रेस मेहसाना जंक्शन के। तो वैसे जर्नी तो यहाँ तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, लेकिन यार थोड़ा सा वीडियो और मैंने लॉन्ग किया है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारी मीटर गेज ट्रेन अराइव कर रही है मेहसाना जंक्शन में, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और दोस्तों अगर आवाज़ मेरी खुली होती ना भाई तो आपके कानों पर टका टक टना टन आवाज़ लगती, सच बता रहा हूँ मैं। तो प्लेटफॉर्म भी काफ़ी लंबा है, काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म। तो ब्रेक लगा लो भाई, प्लेटफॉर्म ख़त्म होने वाला है। तो आप देख सकते हो हमारी ट्रेन जो रुक चुकी है, अब सिग्नल का हमें वेट करना है। तो भाई सिग्नल भी मतलब रुकते ही सिग्नल मिल गया भाई, लेकिन थोड़ा सा रोक लेते हैं यार, इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ेंगे यार, मतलब रुकते ही सिग्नल मिल गया यार, कमाल है।
तो वो बेचारी कब से खड़ी है ट्रेन, उसको अभी तक नहीं दिया सिग्नल। तो ये कोई मतलब WDP-40 है, पीले कलर का, पता नहीं यार कौन सा है, पीला है, मेहसाणा जंक्शन का बोर्ड नेम आपने पढ़ लिया होगा। यहाँ भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, 1, 2, 3, हम शायद 4 पे अराइव किए। जो कंटेनर वाली ट्रेन है जो मेन लाइन पे खड़ी है WDG-40 के साथ, 70301 ये इसका रोड नंबर है, शायद आपने भी पढ़ लिया होगा यार रोड नंबर, पढ़ दो ना यार। निकल देते भाई, अब आप निकल जाएं क्या करें भाई, सिग्नल मिल गया तो चलते हैं यार, रुकने की क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट स्टॉप पालनपुर है, पालनपुर तक की जर्नी नहीं हो सकती भाई। हॉर्न बजा दिया, ब्रेक रिलीज हो गए ना, तो अब जो है हमारी एक्सप्रेस जो है आप देख सकते हो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, हम मेहसाणा जंक्शन से निकल रही है। तो पालनपुर भी यहाँ से काफ़ी दूर है, काफ़ी लंबा वीडियो हो सकता है अगर मैं बनाऊँ वहाँ तक, काफ़ी लंबा हो जाएगा, इतना लंबा वीडियो यार मेरे को बनाना नहीं है ना। सूरत लग रही है, तो अच्छी लग रही है भाई, मैं बोलूँ क्या यार, बोलने का तो मन कर नहीं रहा है। कोचेस शायद इसके अंदर जो है मतलब 18 से ज़्यादा हैं, काफ़ी सारे कोच हैं यार। तो भाई आप भी चले जाना भाई, हम जा रहे हैं, आप भी चले जाना यार, आप खड़े मत रहो, हमें तरस आता है आपकी हालत पे यार। एक छोटी सी ट्रेन इतना लंबा ओवरटेक आपको दे रही है यार, ये तो गजब बेइज्जती है ना। लेकिन भाई कभी किसी छोटी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। वही आज हमारी इस मीटर गेज ट्रेन ने कर दिखाया, नज़ारा कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक कर देना, वीडियो लाइक कर देना, उसी से दिल खुश हो जाता है जब वीडियो को कोई लाइक करता है, सच में बता रहा हूँ। तो 38 मिनट का वीडियो हो चुका है, 43 मिनट का वीडियो रहने वाला है, 42-43 मिनट तक का ये वीडियो रहने वाला है, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं मेहसाणा जंक्शन को अलविदा कह दिया है हमारी एक्सप्रेस पैसेंजर ने, यहाँ से जो है मेल लाइन ज्वाइन कर रही है, मेल लाइन। तो अभी देख सकते हैं अहमदाबाद के बाद डायरेक्ट मेहसाणा जंक्शन रुकी थी, तो भाई लोकोमोटिव का जो राउंड है वो पहले जैसा कितनी देर में आएगा, तो उसकी तो मैं अभी कोई गारंटी दे नहीं सकता कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन भाई आएगा, थोड़ा सा आएगा, ज़्यादा नहीं आ पाएगा, क्योंकि भाई ट्रेन की स्पीड जो रहती है कम रहती है, ट्रेन हुई ना स्पीड बहुत कम रहती है। स्मोक काफ़ी कर रहे हैं यार दोनों लोकोमोटिव, बहुत कर रहे हैं, काफ़ी सारा स्मोक कर रहे हैं यार।
नज़ारा खूबसूरत लग रहा है ना, लाइक करना यार, वीडियो को लाइक कर देना। खूबसूरत लग रहा है ना पूरी ट्रेन कर्व में इस टाइम, तो नज़ारा जो है काफ़ी दिलचस्प है। ये बसें वगैरह, दो बसें जा रही हैं, जुड़वा बसें भाई, और बसें यार काफ़ी अच्छी हैं यार। ऐसा लग रहा है मैं इनको चलाऊँ, ट्रेन चलाते चलाते तो बोर हो गया मैं, तो ऐसा लग रहा है कि भाई इसको चलाओ। अभी तक हमारी ट्रेन निकल रही है यार, कितने सारे कोचेस हैं यार, बहुत हैं। काफ़ी लंबी ट्रेन है यार अभी तक की, मेरी जो सबसे पहली ऐसी वीडियो होगी जिसमें इतनी लंबे मतलब इतने ज़्यादा कोचेस वगैरह हैं। तो पुरानी स्पीड में आने में तो टाइम लगेगा हमारी ट्रेन को, काफ़ी टाइम लगेगा। तो अभी देख लेते हैं आगे चल के थोड़ा सा। साइड से शायद कोई मतलब रिवर वगैरह नदी वगैरह है, पानी नज़र आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा ना पानी नज़र आ रहा है, थोड़ा नहीं काफ़ी पानी। आगे मतलब कोई ब्रिज वगैरह भी है, ब्रिज नज़र आ रहा है, ब्रिज ब्रिज हो गया, ब्रज हो गया। काफ़ी सारा ट्रैफिक वगैरह रुका हुआ है यार, हमारे इंतज़ार में रुका है, हम जैसों के इंतज़ार में रुका। तो ये तो मेरे को काफ़ी छोटा स्टेशन लग रहा है, और पहली बार इत्तेफाक हुआ है इस स्टेशन को स्किप करने का। तो ठीक है दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि हर आने वाला ट्रेन गेम प्ले जर्नी वीडियो आप तक ऑन टाइम पहुँचता रहे। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, फिर एक और नई प्यारी सी और अच्छी सी ट्रेन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।